एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब 5 अप्रैल को फुल मून आने वाला है और इस बार जो है पिंक मून है और पिंक मून वाले दिन पिंक एनर्जीज आती हैं और पिंक एनर्जी से आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आज का दिन यानी कि 5 अप्रैल वाला जो दिन होता है, फुल मून वाला दिन, इस दिन आप अपनी बहुत सारी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं छोटी सी चीजों से, छोटे से उपाय से। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होने वाली हैं लव रिलेशनशिप के लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं कि हील हो जाए आप लोगों का रिलेशनशिप, तो पिंक मून जिसे कहा जाता है, 5 अप्रैल को जो फुल मून है उसे पिंक मून कहा जाता है। और इस पिंक मून पर आज जो मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वो जरूर की जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको जरूर हेल्प करेगी आपकी कोई भी विश के लिए। देखिए, फुल मून होता है, न्यू मून होता है, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो ऑस्पिशियस होते हैं पूरे महीने। और भी बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, जिनके ऊपर मैं उपाय बताती हूँ, बट ये तो आते ही रहते हैं। तो आप लोग को अबंडेंस चेक जो मैंने बताया था एक बार पुराने वीडियोज में, वो भी जरूर कीजिए, बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे उससे। साथ ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही मैजिकल एक रेमेडी जो आपको करनी है 5 अप्रैल को। और विश्वास मानिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। बहुत स्ट्रांग मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ, बहुत स्ट्रांग उपाय मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ, बहुत ही सुपर पावरफुल उपाय। तो उस उपाय को जरूर की जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा, बट उससे पहले ये तो जान लीजिए मैं कौन। मैं शाली गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ आप लोगों में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले फुल मून जो कि 5 अप्रैल को। तो अब आप लोग कोई कमेंट में क्वेश्चन नहीं करेंगे कि फुल मून कब आने वाला है। फुल मून 5 अप्रैल को आने वाला है, जिसे हम पिंक मून भी कहने वाले हैं। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको एक पिंक कलर का कैंडल चाहिए। अब आप वो बर्थडे कैंडल भी ले सकते हैं और पिंक कलर का कैंडल आपको आराम से मिल जाएगा। ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूंगी तो आप लोगों के पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। और एक पिंक कलर का कागज ले लीजिएगा, आपको सिंपल पिंक कलर का कागज भी कहीं भी मिल जाता है, स्क्रैप बुक्स होती है बच्चों की, वहां से ले लीजिएगा, कहीं भी आपको पिंक कलर का कागज मिल जाएगा। यहाँ पे उपाय के लिए हमें पिंक कैंडल और पिंक कलर का कागज होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि हम कोई भी उपाय करते हैं कहीं पर भी, तो उस चीज को जब हम मून फुल मून वाला उपाय जो करते हैं तब करते हैं, तो हम अपने रूम को क्लींस कर दें। क्लींस करने के लिए आपको अगरबत्ती पूरे रूम में घुमाइए, उसे अच्छे से क्लींस कर दीजिए। क्लींस करने के बाद उसके बाद आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए। टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। जब आपके पास समय लगे तब आप इस रेमेडी को कर लीजिएगा। अब आपने लेना है कांच का जार या कांच की बॉटल आप ले लीजिएगा, कोई ऐसे रूल्स नहीं है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। आपके पास पेन तो जरूर होगा, ब्लू पेन से आपने जो भी चाहते हैं शांत मन से बैठ जाइए। पिंक रोजेस जरूर ले लीजिएगा, वो डार्क हो लाइट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी मर्जी पिंक फ्लावर्स हो सकते हैं। अब आपने सबसे पहले कैंडल जला लिया, सबसे पहले आपने क्या करना है, कैंडल जला लिया, क्लींस किया, उसके बाद शांत जगह पे बैठ के पिंक कलर का आपने कैंडल को बर्न कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपने जो पिंक कलर का कागज लिया है उस पे वो सारी विशेस लिखनी है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। सपोज आपने जॉब मैनिफेस्ट करनी है, कार मैनिफेस्ट करनी है, रिलेशनशिप को हील करना है, वो सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आपने थैंक यू लिखना है, फर्स्ट आपने 3 बार थैंक यू लिखना है, आपने अपनी विश लिखनी है, फिर उसके बाद 3 बार थैंक यू लिखना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जरूर रखना है। अब आपने अपनी विशेस को लिखते समय विजुलाइज करना है कि वो चीज आपके पास आ गई और आप लोग बहुत खुश है, इसलिए आप ये सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो वो पिंक रोजेस हैं उनको आपको ऐसे खोल के लीजिए, उनके पेटल्स निकाल लीजिए, पतले मतलब जो उनके रोज की जो पेटल्स हैं उनको अलग कर लीजिए और उस पेपर के ऊपर आपको रख देना है। उस पेपर के ऊपर रख कर 2 मिनट आपने प्रे करना है, मेडिटेशन करना है आपको, कि आपकी वो विशेस पूरी हो रही हैं। आपने विजुलाइज करना है, आंख बंद करके वो सारी चीजें आपको विजुलाइज करना है। अब आपके पास जो भी जार है, आपके जो जार मैंने आपको बोला है, जो बॉटल है, जार है, आपको उसके अंदर इस पेपर को डालना है, उन्हीं पेटल्स को आपको उसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा डालना है आपको सिनेमन पाउडर, जो कि दालचीनी के पाउडर के नाम से जाना जाता है, वो इसके अंदर आप डाल देंगे। और अगर आपके पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आप डालना चाहते हैं, चिप्स है, क्रिस्टल चिप्स हैं, अगर डालना चाहते हैं तो ठीक है, ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं।
उसके बाद आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल। आपके पास कोई भी मैनिफेस्टेशन ऑयल है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर में जो भी ऑयल यूज कर सकते हैं वो भी आप इसको डाल सकते हैं। आपके पास कोई भी ऑयल हो, सिनेमन ऑयल हो आपके पास रोज ऑयल हो, या फिर आपके पास कोई भी मैनिफेस्टेशन ऑयल हो, लव ऑयल हो, मनी ऑयल हो। अगर आप मनी रिलेटेड विश यूज करें तो मनी ऑयल यूज कीजिएगा, अगर आप लव रिलेटेड करें तो लव ऑयल यूज कीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी नहीं है मैनिफेस्टेशन ऑयल है तो वो यूज कीजिए। अगर वो भी नहीं है आप लोगों के पास तो सिंपल कुकिंग ऑयल जो आप यूज कर सकते हैं, लिटिल बिट ड्रॉप आप लोगों उसके अंदर डालनी है। अब आप उस जार को पकड़ के अपने हाथ में मेडिटेट करना है कि वो सारी चीजें हो रही हैं। अब रात को इस जार को उठा के आपको अपने घर के बाहर रख देना है, छत पर रख देना है, विंडो में रख देना है, ताकि वो वाइब्रेशंस उसके अंदर आएं। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह उसको उठाकर आपको अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह छुपा दो जहां पे आपका कभी हाथ ना लगे। भूल जाइए रखकर, आप विश्वास मानिए जो भी आपने उसमें लिखा होगा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये एक ऐसा सुपर पावरफुल उपाय है जो आपकी विशेस को जरूर के जरूर पूरी करेगा। करके देखिए तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।